Assalamualaikum, welcome to my channel Art with Mahamizam. आज की इस वीडियो में मैं आपको शेडिंग लाइट्स और शैडो के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको अपने चैनल का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरे चैनल के ऊपर आप सीख सकते हैं बहुत सारे आर्ट से रिलेटेड चीज़ें। ड्राइंग से हम स्टार्ट करेंगे, पेंसिल कलर्स, पेंट्स, वाटर कलर्स, एक्रेलिक पेंट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और बहुत सारी चीज़ें, एम्बेलिशमेंट, एम्ब्रॉयडरी वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपके सामने एक छोटी सी स्क्रीन शेयर करती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अगर आपकी वीडियो ब्लर है या आपको शेडिंग सही से नज़र नहीं आ रही, तो काइंडली आप अपनी वीडियो की ऐसे क्वालिटी को हाई कर लें। और बिगनर्स के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लर्न हाउ टू ड्रा स्टेप बाय स्टेप। इसमें सारी वीडियोज़ मटीरियल से लेकर जितनी भी ड्राइंग की हैं स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएंगी। इससे पहले जो मेरा लेसन था वो शेडिंग लेयर्स के बारे में था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो वीडियो प्लेलिस्ट में भी है और एंड ऑफ द वीडियो आपको उसका कार्ड भी मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इससे रिलेटेड या कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं इस सर्कल को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करूँगी। डिवाइड करने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर सेक्शन के बारे में बताऊँगी कि इसका क्या काम है। अगर आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आपको शेडिंग में कितनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पे मैंने इसको सारे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है और मेंशन भी कर दिया है कि कौन सा सेक्शन है, उसका क्या काम है और वो किस तरह से उसमें काम किया जा सकता है। सोर्स ऑफ लाइट अगर इस साइड पे होगी तो ये पॉइंट आपका हाइलाइटेड होगा, देन लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो इतने से एरिया पे आएगा, मतलब डायरेक्ट लाइट, बट वो सॉफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होगा। जो हाइलाइटेड एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा ग्लोसी और शाइनी होता है। और लाइट एरिया में आपको ऑब्जेक्ट, अगर उसके ऊपर कोई डिज़ाइन है या कुछ भी, तो वो बहुत ही क्लियर नज़र आता है। और उसके बाद आता है कोर शैडो, जो कि लाइट और शैडो दोनों का मिक्सचर होता है। लाइक बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होता, लेकिन शैडो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है उसमें। उसके बाद आता है इसमें शैडो, जो कि एग्जैक्टली शैडो, जो कि ऑब्जेक्ट को, लाइट को वहाँ से ब्लॉक कर देता है, देन उसके बाद उसके शैडो स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद बहुत ही छोटी सी जगह पर आती है रिफ्लेक्टेड लाइट, जो कि आप कोई भी उस नीचे पेपर रखते हैं या कुछ भी आपके पास नीचे जो उसकी बेस होगी उसका रिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि लाइट उसको टच करके रिफ्लेक्ट करके दोबारा आती है। ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, इट्स मीन के जो जहाँ से शैडो एग्जैक्टली स्टार्ट होता है वहाँ से ही उसको मेयर करके, अगर आप देखें किसी भी ऑब्जेक्ट को, वहाँ से स्टार्ट होता है उसका एक्चुअल जो कास्ट शैडो होता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो शैडो है वो बहुत ज़्यादा डार्क एरिया होता है, शैडो के बाद वहाँ से लाइट ब्लॉक हो जाती है, वहाँ से लाइट नीचे ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाती है, वो आपकी बेस के ऊपर जाती है। बेस के ऊपर जब लाइट जाती है तो वो रिफ्लेक्ट करके नीचे थोड़ा सा ग्लोसी एरिया देती है, जिसको हम रिफ्लेक्टेड एरिया कहते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी सारी लाइंस जो हैं उसको रेज कर लिया, लाइट सा रेज किया है, बहुत ज़्यादा रेज नहीं किया ताकि आपको शो होती रहे, क्योंकि जब मैं इसमें शेडिंग करती तो वो लाइट लाइंस अगर प्रोमिनेंट होती तो वो अजीब लगती, सो इसलिए आपके लिए मैंने इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया, लाइट सा रहने दिया ताकि आपको सेक्शंस की समझ आती रहे कि कौन सा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था और कहाँ पर एंड हो रहा था। तो अब मैं इसमें शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। शेडिंग स्टाइल वही है, आप सिंपल शेडिंग भी कर सकते हैं, वो आपको, अगर अपना स्टाइल अभी तक आपने सेलेक्ट नहीं किया, आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा स्टाइल ठीक रहेगा, आपके लिए ईजी रहेगा, तो उसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी करके मैंने दिखाई है ताकि उससे आप अपना शेडिंग स्टाइल सेलेक्ट कर सकें। यहाँ पर मैंने शेडिंग की है, जो मैंने लाइट एरिया आपको बताया था, लाइट को हाइलाइटेड एरिया बिल्कुल भी शेड नहीं करते क्योंकि वो ग्लॉसी होता है, शाइनी होता है। नाउ आई एम गोइंग टू शेड कोर शैडो, जो कि इससे थोड़ा सा डार्क होगा।
मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होता, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होता, लाइक वो शेडो और दोनों लाइट का मिक्सचर होता है। लेकिन शेडो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा आ जाता है जब आप एंड पॉइंट पर जाते हैं, जैसे कि जो उसका डाउन पॉइंट है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा एरिया वो मैंने उसकी बाउंड्री के लिए भी छोड़ा है, वो एग्जैक्टली अगर आपको 3D लुक, जो एक 3D ऑब्जेक्ट होता है उसमें आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करें और देन उसके सेक्शंस को डिवाइड करें। मैंने आपको ईजी करने के लिए लाइन्स के साथ ड्रॉ कर लिया था, आप भी कर सकते हैं, बट बहुत लाइट ही लाइन्स ड्रॉ कीजिएगा। अब मैंने इसके बाद जो शेडिंग की है वो शेडो में की है, और शेडो एज यू नो कि वो डार्क होता है क्योंकि वहाँ से वो लाइट को ब्लॉक कर देता है और वहाँ से फिर लाइट ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर सकती, वो डायरेक्ट आपकी सरफेस पर जाती है। और फिर उसके बाद मैंने इसका शेडो शेडिंग की है। शेडो से नीचे मैंने आपको जैसे बताया था कि इसका रिफ्लेक्टेड एरिया होता है, जहाँ पर जैसे हाईलाइट एरिया होता है वैसे वो भी उसमें शाइन होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई ग्लॉसी है, ग्लास है या कुछ भी इस तरह, तो उसमें ये चीज़ आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। कास्ट शेडो जो है वो भी इसी तरह ही है कि जो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास होगा अगर आपकी लाइट थोड़ी सी दूर है, और अगर वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास होगा तो वो ज़्यादा डार्क होगा। जैसे जैसे शेडो दूर जाता जाएगा, कास्ट शेडो जो दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे उसकी डार्कनेस कम होती जाती है, वो लाइट होता जाता है। तो आपके लिए मैं इसके अगेन एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख के उसके ऊपर आपको लाइट्स की सारी स्टडीज़ बताऊंगी कि अगर इस तरह से लाइट आएगी तो किस तरह का इमेज होगा, किस तरह का शेडो होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, और अगर इस साइड से ऊपर से लाइट आती है तो आप इसका शेडो है वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो मैं कम्प्लीट आपको उसकी भी डिटेल वीडियो दूँगी। आपने ये नोटिस किया कि मैंने जो इसका हाईलाइटेड एरिया है उसको एक तो शेड भी नहीं किया, और दूसरा उसके पास पास जो जगह है वहाँ पर भी मैंने ज़्यादा शेडिंग नहीं की, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही जगह पर पॉइंट्स लगा दें, लाइक वो बिल्कुल अलग से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो वो बुरा लगता है, वो रियलिस्टिक लुक नहीं देता। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर ब्लेंडिंग शेडिंग के टाइम पर नहीं की थी, विद शेडिंग जो पेंसिल के साथ मैं करती हूँ, मैंने सेपरेट इसलिए की है ताकि आपको आइडिया हो जाए, आपको हर एक सेक्शन के बारे में पता चल जाए, क्योंकि लाइट, शेडो और शेडिंग ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक आप इस चीज़ को स्टडी नहीं कर सकते, लाइट और शेडो को, आपके लिए चीज़ों को ऑब्जर्व करना, आपके लिए ड्रॉ करना, शेडिंग करना काफ़ी मुश्किल होगा। जब आप ये छोटा सा डिफरेंस सीख जाएंगे कि लाइट में और शेडो में क्या डिफरेंस है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसको किस तरह से शेड किया जाता है, तो आपके लिए ड्राइंग और ज़्यादा इजी हो जाएगी, शेडिंग और ज़्यादा इजी हो जाएगी। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी शेडिंग के ऊपर वीडियो भी बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एंड ऑफ द वीडियो आपको कार्ड मिल जाएगा। उससे बेहतर है मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप मेरी प्लेलिस्ट को ही फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें मैंने सारे लेसन्स को स्टेप बाय स्टेप ही रखा है आपके लिए। जितने भी बिगनर्स हैं अगर उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, लेकिन एज अ बिगनर अपनी काफ़ी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और अगर आप कहीं पे स्टक हो गए, आपको समझ नहीं आ रही, तो जस्ट टेक अ पिक्चर और आप मुझे सेंड करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। जितना मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं आपको गाइड कर दूँगी। सो मेक श्योर आज से ही अगर आपने ड्राइंग अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, चाहे आप 10 मिनट करें, चाहे आप 15 मिनट करें, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।